तो आगे देखिए, डेटा आता है हमारा अगला टॉपिक। पहले ही ऑप्शन लिखा हुआ है गेट एक्सटर्नल डाटा। क्या लिखा हुआ है? जब भी हमें कहीं दूसरी जगह से डेटा लेके आना है तो ला सकते हो। अब इसमें माध्यम दिए हुए, एमएस एक्सेस से यदि कोई डेटा लाना चाहते हो तो ला सकते हो। टेबल टू का डाटा लेना है, कहाँ रखना है आप बता सकते हो जी। आप उसमें जो डेटा भरा हुआ था वो यहाँ आ गया। कैसे हुआ? यहाँ पर आए फ्रॉम वेब, यदि कोई वेबसाइट से डेटा एक्सेप्ट करना है तो यहाँ से ला सकते हो, तो इसमें टाइम लगेगा। तो हमने अभी टेक्स्ट फॉर्म फ्रॉम टेक्स्ट, यदि हमने एक एमएम नाम की फाइल बनाई हुई है मान लो, उसके डेटा को इस फाइल में जोड़ना है तो जोड़ सकते हो, ओके करना है। कैसे? चाहो तो खुद बना सकते हो। जे हमने बनाया, जे डेटा तैयार किया ना, इसे हमने सेव कर दिया किस नाम से? 4D नाम। किस नाम से? 4D। तो यहां पर गेट एक्सटर्नल डाटा फ्रॉम 4D और नेक्स्ट और फिनिश कर दिया। आया? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है कि मान लो उस DD नाम की फाइल में कुछ परिवर्तन करते हो, कंट्रोल एस और यहां से रिफ्रेश ऑल, क्या कर दिया? देखिए जितना भी डेटा हमने जोड़ा है वो यह हमारा ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। तो जब भी हमें किसी भी गेट एक्सटर्नल डेटा से डेटा प्राप्त करना होता है तो हम उसका कनेक्शन बना देते हैं। लेकिन क्या होता है, कनेक्शन हमें खत्म करना है तो यहां से ये लिखा हुआ है, हमें इसका कनेक्शन खत्म करना है तो कहीं लिखा होगा रिमूव लिखा है, हमें DD की जगह MM का रिमूव करना है। चलो अब केवल एक ही कनेक्शन बचा हुआ है तुम्हारा, कौन सा? DD वाला। जब भी रिफ्रेश करोगे तो केवल DD आएगा, इसके अलावा कोई फाइल नहीं। यदि मान लो तुमने वो भी तोड़ दिया तो अब कोई कनेक्शन नहीं बचा, इसका मतलब ये हुआ जब भी रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश का काम ही नहीं है उसमें, किसी से लिंक ही नहीं पाए तो अपने डेटा हो ही नहीं सकता। तो यहां से होगा क्लियर प्रॉपर्टी, यहां से किस फाइल जो लिंक की गई फाइल उसकी पूरी प्रॉपर्टी यहां से चेक कर सकते हो, कहां से लिया गया है क्या, ठीक है। तो ये कहानी क्लियर, यदि लिंक होती तो उसे हम एडिट भी कर सकते हो। अब मान लो आपको ए से जेड, जेड से ए के क्रम में रिकॉर्ड व्यवस्थित करना है तो हम कर सकते हैं। करने के लिए हमने क्या किया, एक फाइल तैयार की जिसमें नेम बनाया, एज बनाया और सेल्स बना दिया, ओके। राम लिखा, श्याम लिखा, राज लिखा, अशोक लिखा, नरेश लिखा, जैन लिखा, विशंत लिखा, सुरेश लिखा, ऐसे हमने विभिन्न प्रकार के क्रम में हमने क्या कर दिया, एज भी भर दी। और हमने सेल भी कर दिया, ये उल्टा सीधा रिकॉर्ड तैयार कर लिया है, सही सही रिकॉर्ड तैयार कर लिया। अब हम चाहते हैं जी ए से जेड के, तो अभी आप करेंगे तो जी करेगा
अब इसको फील्ड डेटा ऐसा मिल रहा है, तो यहां से आप नैप को सिलेक्ट कर लें, तो अशोक भूषण नरेश जैन हो गया, ए टू जेड हुआ। कैसे हुआ, यहां पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट ले रहा है क्रम से, नंबर से, सेल से, ओके। लेकिन हमने यहां पर क्लिक कर दिया, यहां से हमने उठाया एज, एज लार्जेस्ट टू स्मॉल है, फिर वापस क्लिक किया स्मॉल टू लार्जेस्ट, बट टू थ्री क्रम में आना चाहिए। हमने कहा नहीं, नेम के हिसाब से आना चाहिए, तो यहां पर नेम ए टू जेड, ओके। उल्टा करना है तो यहां से जेड टू ए कर देंगे, क्या कर देंगे, जेड टू ए, ओके। इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, पक्का बन जाएगा। तो इस तरीके से हम रिकॉर्डों को ए से जेड, जेड से ए के क्रम में अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा सिटी, देवरी लिख दिया, सागर लिख दिया, देवरी लिख दिया, देवरी लिख दिया, सागर लिख दिया, देवरी लिख दिया, सागर लिख दिया, देवरी लिख दिया, दो सिटी बनाई। अब ऐसे कई हजार आंकड़े हो सकते हैं, अब उसे आंकड़ों में फिल्टर लगाना है, क्या लगाना है, ये लगा दिए फिल्टर, उस पर सिलेक्ट करके फिल्टर लगा दो, देखिए ऑप्शन बन गया है, इसको कहते हैं फिल्टर। अब आप चाहते हैं केवल देवरी देवरी दिखाई दे, तो केवल रिकॉर्ड किसके दिख रहे हैं, आप चाहते नहीं सागर के दिखाई दे, देवरी नहीं, आप चाहते दोनों दिखाई दे, आप चाहते हैं कि केवल जैन और अशोक दिखाई दे, जिनका नाम जैन है और अशोक है, केवल वही रिकॉर्ड का डेटा हमारे सामने आएगा, बाकी डेटा नहीं आएगा, बनेगा। यदि आप चाहते हैं यहां से ये ऑल कर दिया, सभी देखना है, केवल देवरी वाला ही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, उसमें भी किसको क्या चाहिए, हमें राम वाला रिकॉर्ड चाहिए केवल, क्या देवरी में भी कौन सा, राम और अशोक, देवरी भी है और राम, और उसमें भी हमने कंडीशन लगा दी जिसकी सैलरी 2000 हो केवल वही आए, लगा दिया। ऐसे आंकड़े आपको प्राप्त करना पड़े तो इसका यूज कर सकते हो, और सभी को क्लियर कर दो, जैसा था ओरिजिनल डेटा जैसा था, जैसा तुमने अरेंज किया होगा ए टू जेड, जेड टू ए के क्रम में वैसा आपके सामने अरेंज है, ओके। कर पाएंगे, कैसे किया, आपने कहीं भी कर्सर रख के फिल्टर लगा सकते हो, ओके। फिर यहां से आप जैसा चाहें, जिसकी उम्र 6 वर्ष है वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, आपने कहा नहीं सभी दिखें तो क्लियर कर दिया, आज भी कर सकते हो, इस तरीके से आप फिल्टर का यूज भी कर सकते हैं, कर लोगे। फिर आता है एडवांस, कुछ नहीं ये देखा है, एडवांस में अलग होता है टैग टू कार्ड, क्या लिखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब डेटा अलग से लाते हो या हो सकता है यही बनाया हो, उसको कॉलम में डिवाइड करना हो, जैसे लिखा नेम स्पेस सिटी स्पेस सैलरी स्पेस पेन कोड लिख दिया, राम स्पेस या देवरी स्पेस सैलरी 3,470,226, इस प्रकार से डेटा बन गया। अब हमारे दिमाग में बात आई कि भैया ये तो कॉलम में रखना था, यदि ऐसा डेटा बन गया है कहीं पर भी, वर्ड में बना लिया या कहीं पर भी बना लिया, और आप चाहते हैं कि ये कॉलम में डिवाइडेशन हो जाए, तो आपको ये पास ऑप्शन है कि इन्हें सिलेक्ट कीजिए और टैग टू कॉलम पर कीजिए। दो तरीके के ऑप्शन है आपके पास, डिलिमिटेड और फिक्स विड्थ। डिलिमिटेड जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं,
जहां पर टैब लगा हो वो आ जाए, जहां पर सेमी कॉलन हो वहां पर कॉलम आ जाए, जहां कामा हो वहां पर कॉलम आ जाए, जहां स्पेस हो वहां कॉलम आ जाए, अदर माने आप अपने मन से भी जोड़ सकते हो। लेकिन हमने कहा बैक कर दिया, यहां पर फिक्स्ड विड्थ में अपने हिसाब से कॉलम बना सकते हो। क्या बना सकते हो? तो जहां पर भी लगाना हो वहां पर कॉलम लगा सकते हैं। लेकिन इसमें और इसमें अंतर है कि यदि हम स्पेस से चाहते हैं कि जहां जहां स्पेस लगा है केवल वहां पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉलम में डिवाइडेशन हो जाएगा। आया? बन जाएगा। तो ये कैसे किया हमने? अंडो कर दिया आपने, मान लो बीच में स्पेस की जगह आपने ऑब्लिक लगा दिया। क्या लगा दिया? तो आप इसको कैसे कॉलम में डिवाइड करोगे? तो डिलिमिटेड ही है आपके पास ऑप्शन, और यहां पर फिर ऑब्लिक टाइप कर अदर। तो जहां जहां पर ऑब्लिक था वहां वहां पर कॉलम आ जाए। ओके। लेकिन सर नीचे डिलिमिटेड का मतलब क्या होता है वो भी समझाइए। तो नीचे हमने ऐसा बनाया, अब हमारे पास विडंबना है कि हमें तो इसी के हिसाब से बनाना है और कोई ऑप्शन नहीं, तो अपने मन से भी जहां भी कॉलम बनाना चाहते हो बाद में मेरिट कर लेंगे। तो मन से जहां पर भी क्लिक कर दोगे वहां पर एक कॉलम। अब मान लो सर जैसे यदि हमें हटाना है तो हट भी सकता है क्या कॉलम? जैसे गलती से मान लो क्लिक हो गया, यहां पर क्लिक हो गया, क्या हट सकता है? यस हट सकता है, उसी पे क्लिक कर दोगे तो आ जाएगा। देखिए आ गया। तो जहां पर हम चाहें वहां पर कॉलम दे सकते हैं और फिनिश कर, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ओके। अब एक और चीज बता देते हैं, प्लस हम पढ़ चुके हैं फिर भी हम बता देते हैं। जैसे आपने लिखा, हमने बताया था, क्या लिखा था? संडे मंडे, याद है? प्लस बताया था कैसे हमने लिखा, एसवीएन सन लिखा और यहां पर क्लिक करके प्लस लगा दिया। तो जैसा ऊपर कर दिया है वैसा ऑटोमेटिक नीचे आ गया। ओके। कैसे हुआ? यहां पर हमने लिख दिया ब्रैकेट में सन, ठीक है, तो सारे में ब्रैकेट लग जाएगा। यदि हमने यहां पर लिख दिया डे, क्या लिख दिया? डे डैश सन। अब चूंकि डे जी इससे पकड़ रहा है कहां से, तो जी गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर हमने दिन कर दिया, क्या कर दिया? अब देखते हैं कैसे पकड़ रहा है। आ गया। तो ये काम का भी है, जैसे यदि हमने आधार कार्ड का बताया था, जैसे हमने 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए। अब हमने क्या किया, पहले तो इसको कायम बदलना पड़ेगा, फॉर्मेट में जाके, याद है? याद ही नहीं रहता, बाकी सब होता है हमारे दिमाग में। तो इसको हम किस फॉर्मेट में बदल सकते हैं? मान लो यहां पर हमने डी कर दिया, यहां पर हमने टू कर दिया, माने बदल दिया, एक वैल्यू को चेंज कर दिया, पकड़ के ड्रैग एंड, सबका नंबर बदल गया कि नहीं बदला? अब आप चाहते हैं कि जी लिखे नंबर ऐसा टाइप हो जाए आधार कार्ड, तो आप फ्लैश लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? पहले 1212 डैश हो गया, 1121 डैश, 2121। ओके। अब आपको क्या करना है, फ्लैश पे जाके क्लिक कर देना है। अब लेकिन एक समस्या आ रही, जी नंबर को नहीं पकड़ पा रहा है, किसको नहीं पकड़ रहा है? देखिए
नहीं पकड़ रहा, तो हम स्पेस दबा देते हैं, जे भी नहीं पकड़ पा रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, यहां पर लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए। तो यहां पर 1, 2, 3, 4 स्पेस, 5, 6, 7, 8 स्पेस और 9 क्या कर दिया, 9, 0, 1, 2। ठीक, तो इस तरीके से भी हम अपने फॉर्मेट को बदल सकते हैं। इसको हमने डिलीट कर दिया, यहां पर हमने नंबर फॉर्मेट या जो भी फॉर्मेट है उसको डाल दिया, जनरल की जगह हम नंबर फॉर्मेट कर देंगे। ओके, तो आपने क्या कर दिया, यहां से फ्लैश देखो बदल गया, बदला कि नहीं बदला। तो आधार कार्ड का जो फॉर्मेट होता है उसमें बदल गया। तो इस तरीके से हम कहानी अपनी तैयार कर सकते हैं, यहां तक आप करके देख रहे हैं।